हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू सी पठान मूवी। वेलकम टू माय ब्लॉग टैक्स वीक ब्लॉग्स। हम लोग जा रहे हैं पठान देखने के लिए और बाकी आप लोगों को उधर पता चलेगा और देखते हैं क्या होता है नहीं होता है, फिर भी रिव्यू बाद में मिलेगा। आज जा रहे हैं देखने के लिए। ये देखो गाड़ी सरसे हुए है तो जा रहे हैं हम लोग। अल्लाह फिल्म देखेंगे अच्छे से। पठान इन खतर पठान लव पठान सर के टू मच लव एसर के फ्रॉम कतर आल्सो लव यू एसर के। नहीं देखना है तो पठान ही देखना है। मैं कह रहा हूँ जैसे पठानी फिल्म का अभी ये चल रहा है, 6 बजे है, 6:30 बजे है, फिर 9 बजे है, 8:30 बजे है, फिर 10:30 बजे है, फिर लास्ट 11:45 का 8 बजे। हाँ किसी ना किसी शो का मिल जाएगा। हाँ अलग अलग सब चलता है ना, बहुत ज्यादा ट्रैफिक है दोस्तों। देखिए हम लोग ट्रैफिक में बहुत फंसे हुए हैं, लेकिन ये एसआरके का प्यार है जो हमें खींच रहा है अपनी तरफ। एसआरके अपनी तरफ खींच रहे हैं तो इसलिए हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि 4 साल बाद फिल्म आया है उनका, तो देखना तो पड़ेगा ही भाई, देखना तो पड़ेगा ही। और फिर कंट्रोवर्सी में ये घिरा हुआ था ये फिल्म, तो अभी देखेंगे अंदर जाके क्या क्या चीज है जो लोग पागल हो रहे हैं इस बारे में। कौन सा ऐसा चीज़ है जो इसके अंदर दिख गया उन लोगों को और ये सब कंट्रोवर्सी चल रहा है, तो मुश्किल नहीं, हम लोग देखेंगे उसके बाद बोलेंगे कि किस बात का कंट्रोवर्सी है। तो चलिए अभी ट्रैफिक खुल गया है, अभी ये कुछ कतार का नज़ारा। ये हम लोग जो लंबा देख रहे हो ना उसमें जा रहे हैं, ये टावर। ये देखिए कितना ट्रैफिक है टक्कतर में। आज धमाकेदार मजा होने वाला है, धमाकेदार मतलब थोड़ फाड़ पोस्ट फटा पोस्टर निकला हीरो ऐसा आएगा शाहरुख खान, तो हम लोग देखेंगे इंशाल्लाह। और ये हमारे हम लोग जा रहे हैं, गाड़ी ही गाड़ी है सब कतर में, सब पैसे वाले हैं ना। हम लोग भी गाड़ी में बैठे हुए हैं, पीछे हमारे दो दोस्त बैठे हुए हैं, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा, अभी लाइट नहीं है तो बाद में दिखेंगे। तो चलिए दोस्तों, ये हमारे ड्राइवर साहब है जो ये कतर में रहते हैं, इंडिया से है। इंडिया कहाँ से आप दोस्त? यूपी का सरकार है ये, तो अभी बैठे हुए इधर हमारे साथ, तो सोचा कि इनको भी जोड़ लेता हूँ साथ में यार, बाद में बुरा मान जाएंगे यार। तो जितना भी सब्सक्राइबर है तो थोड़ा सा और बढ़ा देना इनके लिए, सिर्फ यूपी से है ये। और हमारे दो दोस्त अभी दिखाई दे रहे हैं, ये देखो पीछे। हाय हाय एवरीवन, हम लोग जा रहे हैं मज़ा लेने के लिए थोड़ा बहुत, ज़िंदगी का तो इधर ड्यूटी बस यही है, लेकिन बीच बीच में कभी मज़ा कर लेना चाहिए। तो इसी वजह से हम लोग निकले अभी आज रात को, पर ट्रैफिक में फंसे हुए यार, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है यह खतर में। रात में ज़्यादा हो जाता है क्योंकि गाड़ी सब निकालते हैं गाड़ी, दिन में इतना बिजी नहीं होता क्योंकि कोई निकलता नहीं है, सब अपना काम से बिजी होते रहते हैं, तो इसी वजह से ज़्यादा कोई गाड़ी नहीं निकलता। और बाकी कमर्शियल गाड़ी तो चलता है दिन में, और बाकी जो प्राइवेट कार्स है वो सब रात में निकलते हैं, लड़कियां हो, लड़के हो, बच्चे हो, 17-18 साल के, सब रात में निकलते हैं, इसी वजह से ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है। और इधर ट्रेन है लेकिन वो कुछ किसी काम का नहीं है, क्योंकि बाहर के लोग के सिवा कोई चढ़ता नहीं है, क्योंकि इधर का लोकल जो सिटीजन है वो लोग ज़्यादा ट्रेन चढ़ते नहीं हैं, और बाहर का भी इतना चढ़ते नहीं है, जो कार यूज़ कर लेते हैं या तो उबर यूज़ कर लेते हैं, तो हम लोग भी उबर से ही जा रहे हैं, हम लोग कोई ट्रेन से तो नहीं जा रहे, इसी वजह से इधर कार का ही चलता है, प्राइवेट कार्स और ये सब, उबर ये सब चलता है ज़्यादा, ट्रेन और बस ये सब ज़्यादा चलता नहीं है। सही है फिर भी,
और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, आप देखिए। दोस्तों आ गए हम बिल्कुल पास ही, ये टावर है, मैं आपको दिखाता हूँ। वो टावर के टावर में जाएंगे हम लोग, वो टावर के पास ही हमारा सिनेमा हॉल है जिसका नाम है बेलाजू मॉल। और बेलाजू मॉल का एक वीडियो आप लोगों को मिलेगा, वो भी है और एक दूसरा ब्लॉग होएगा, लेकिन अभी फिलहाल तो हम लोग पठान के लिए ब्लॉग कर रहे हैं। सो बेलाजू मॉल का भी एक ब्लॉग होएगा अलग से, वो आप लोगों को मिल जाएगा, एक ही दिन में मिल जाएगा। अभी हम लोग आ गए हैं, ये टावर देख लीजिए आप। इसी टावर में हम लोग है, इसका नाम है खलीफा टावर। खलीफा टावर है ना दोस्त? वही है, हाँ, टॉर्च टावर बोलते हैं इसको। और हाँ, बेलाजू से ज्यादा यही फेमस है क्योंकि खतर में है कि ये टावर है जिसका नाम है टॉर्च टावर। देखिए आप, सो फ्रेंड्स, पठान फिल्म का रिव्यू कुछ ऐसा है कि मैं उधर नहीं दे सका क्योंकि मेरा चार्ज ख़त्म हो गया था मोबाइल का। सो मैं अभी दे रहा हूँ आप लोगों को क्योंकि फिल्म बहुत अच्छा था, एक्शन थ्रिल मूवी था और शाहरुख खान ने बहुत अच्छा काम किया, दीपिका पादुकोण ने बहुत अच्छा काम किया, जॉन इब्राहिम का भी जो विलेन का जो पार्ट था वो भी बहुत अच्छा हुआ। और ओवरऑल जो मूवी था वो बहुत ही बढ़िया, मतलब बहुत ही अच्छा मूवी था। आप लोग मेरे टिकटॉक में जाइए और टिकटॉक में जाके देख सकते हैं, टेक स्विंग ब्लॉग मेरा टिकटॉक का भी नाम है। सो आप लोग उधर जाके देख सकते हैं कि मैं कितना मूवी देखने के बाद मैं कितना एक्साइटेड हुआ था। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग, थैंक यू।